गुलिस्तान लाइव नशर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूँ बड़गाम बीरवा से मोहम्मद अशरफ और आज जो है बीरवा के टाउन हॉल में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक जलसा मुनक्कद किया गया जिसमें पार्टी के जो है नायब सदर उमर अब्दुल्ला आए थे और पार्टी से वाबस्ता कई सीनियर लीडरों ने इस पार्टी कन्वेंशन में आज शिरकत की है। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट साहब, इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू। भट्ट साहब, यहाँ पर आज हमने देखा काफी लोगों में जोश था पार्टी को लेकर, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? ये तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के आवाम के दिलों की आवाज है। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको इस वक्त एक ही सहारा दिखाई देता है जो उन पर वक्त के हुकूमतों ने, दिल्ली वालों ने जुल्म किए हैं, उसका एक ही हाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करके असेंबली के जरिए उन कवानीन को ख़त्म करना ये अवलीन फुर्सत में समझते हैं। इसलिए इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेफाक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर, मगर फिर भी वो बंदा भी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को थामे हुए है कि यही हमें उस अजाब से नजात दिला सकता है। बगैर उनके जो बीजेपी के अलाइड पार्टियां हैं जो बड़े बड़े दावे देते हैं, तो जिस तरह से हम देखें लगातार आज भी जो है एक ऑर्डर आया जिसमें चार जो है एम्प्लॉयज को नौकरी से बर्खास्त किया गया, तो किस तरह? अरे अभी क्या देखा आपने, इनको तो ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन इनको नहीं होते, आप नहीं देखते हैं अभी उमर साहब ने भी जो कहा, यूपी का हाल देखो, बाकी महाराष्ट्र का हाल देखो, यहाँ तो इन्होंने ऑलरेडी हाल बुरा किया, इससे बुरा कर देते, फलस्तीन से भी बुरा कर देते। इनको ये 24 इलेक्शन है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या करेंगे यहाँ। जिस तरह से उमर साहब ने खुद अपने जलसे में कहा कि यूपी में जिस तरह से ऑर्डर निकला है, हलाल जो भी चीज़ें वो अफगार में नहीं रख सकते हैं, उसका इशारा ये भी है कि शायद आने वाले दिनों में लग रहा है कि यहाँ पर भी इस तरह का रिवाज चल सकता है। ये कहने की जरूरत नहीं है, नहीं उनका ये मिशन है, ये तो उनका मकसद है। मैं बताऊंगा तो बोलेंगे कि ये कुर्सी के लिए कह रहा है, पॉलिटिकल उमर साहब बताएंगे बोलेंगे ये अपनी पार्टी के लिए कह रहा है। लोगों को ये खुद सोचना है कि हाँ जी ये हो सकता है और ये होकर रहेगा अगर उनको छूट मिली यहाँ जम्मू कश्मीर में घुसने की। चलिए नाज़रीन, ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट जो कि बात कर रहे थे आज के इस जलसे के हवाले, जिससे कहा कि जो उमर साहब ने इशारा भी दिया यूपी या बाकी रियासत में जिस तरह का हाल है, शायद लग रहा है कि अगर यही सूरत हाल रहा तो शायद आने वाले दिनों में कश्मीर में भी इस तरह का सूरत हाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल गुलिस्तान लाइव नशर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना ही, और आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल।